राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट शेयर कर रही हूँ, क्रिसमस ट्री। ये मोस्टली जो प्लांट है वो पहाड़ों पे, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनका ये प्लांट होता है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बहुत लंबे इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत खूबसूरत जो है ये प्लांट्स लगते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो क्रिसमस ट्री का प्लांट है ये लगभग 4 साल पुराना है। 1 से 1.5 फीट के लगभग का मैं प्लांट लेके आई थी केवल 70 रुपीज़ में, और उसके बाद जो 4 साल बाद आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं कि ये देखिए कितना जो बड़ा है वो मेरा हो गया है। इसके प्लांट के साथ में थोड़ा ट्रेजडी भी हुआ था कि ये बड़े पोट में लगा हुआ था तो 2 बार आंधी की वजह से मेरा पोट टूट गया था, तो बस मैंने इसे ऐसे ही एक बकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया था तब जब तक कि एक न्यू मेरे पास में पोट नहीं आए। और चूँकि बड़ा, बहुत बड़ा पोट 16 इंच का है तो वो अभी मैं ला नहीं पाई, तब तक ये इसी में लगा हुआ है। अब अगर मैं इसकी सॉयल मिक्सचर की बात करूँ तो देखिए, सॉयल इसका ऐसा होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर होल्ड हो, क्योंकि ये जो प्लांट है वो नमी पसंद प्लांट होते हैं। पानी रुकना नहीं चाहिए उसमें, लेकिन मॉइस्चर जो है वो होल्ड रहना चाहिए। तो इसका जो मिट्टी जब मैंने बनाई थी तो इसमें थोड़ा मैंने 40% सैंड डाला है, और जो 40% मैंने इसके अंदर जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो दी, और 20% के लगभग मैंने इसके अंदर कंपोस्ट फीड किया था। क्योंकि ये जो है एक होल है इसके अंदर, बकेट में भी मैंने कर दिए हैं। वेल ड्रेन मतलब कि जब पानी डाले तो पूरा पानी निकल जाए, लेकिन एनी टाइम इसके अंदर मॉइस्चर होल्ड रहना चाहिए। वैसे मिट्टी में ये जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इनको नमी पसंद होती है। सेकंड, अगर मैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो देखिए, जैसा बता रही हूँ कि नमी होल्ड चाहिए, तो जैसे ही इसकी मिट्टी सूखी होती है ऊपर से हल्की सी आप उसे चेक कीजिए और चेक करके आप उसे पानी दीजिए। उसके बाद में अगर सनलाइट रिक्वायरमेंट की मैं इसकी बात करती हूँ तो देखिए, इसको जो डायरेक्ट सनलाइट है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ब्राइट लाइट में, और जहाँ चारों तरफ हल्की नमी हो, ब्राइट लाइट हो, वहाँ पे ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसे मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप दे सकते हैं, विंटर में आप इसे ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ हल्की हल्की धूप इसे पूरे दिन मिले, लेकिन समर की जो दिन की डायरेक्ट सनलाइट होती है वो इसे बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। उसके मिलते ही ये जो प्लांट है वो जो है इसकी लीव्स हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, अभी मेरी आपको ये लीव्स कहीं कहीं पे ऐसे बन हुई दिखेंगी, लेकिन ये जो हैं वो एक्सिस जो अभी सर्दी थी उस सर्दी की वजह से ये इस तरीके से बन हुई है। ये देखिए बीच बीच में कहीं पे, बाकी आप इसकी न्यू ग्रोथ देख सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है और इसकी जो ग्रोथ है वो निकल ही रही है। ये देखिए, अब इसके अंदर इस प्लांट को रखने का है कि इसे अगर आप वैसी जगह रख सके जहाँ इसको चारों तरफ से एयर मिले, चारों तरफ ये खुला हो, तो ये जो प्लांट है प्रॉपरली मिड में ग्रो करते हैं। अगर आपने इसको दीवार के सहारे रख दिया है तो जिस तरफ से आपने इसे रखा है उस तरफ से इसकी लीव्स हैं जो खाली सी होती जाएंगी और ये एक तरफ प्लांट है जो झुकता जाएगा। तो आपको जो है वो ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको पूरी तरह से इसको फैलने का हो, क्योंकि ये देखिए ये इसका जो एरिया बनता है वो काफ़ी बड़ा बनता है, ये एकदम राउंडली ऐसे ग्रो करता है। अब उसके बाद में एक और चीज़ है, अगर आप इसको एक कैनपी में डेवलप करना चाहते हैं तो आप इसकी ट्रिमिंग कीजिए। जहाँ से आपको करनी है कि मुझे इस तरीके का ये प्लांट चाहिए वहाँ से ट्रिमिंग कीजिए। देखिए मेरी जो लीव्स हैं नीचे वाली कुछ अलग से ही फैल चुकी हैं अजीब तरीके से, लेकिन मेरे को ये ऐसे ही पसंद है इसलिए मैंने इसकी वो नहीं की। ये देखिए बर्न हुई हुई है, क्योंकि ये जो थी दीवार के पास में थी और विंटर अभी था तो उसको सनलाइट नहीं मिल रही थी अच्छे से, और इस वजह से ये जो है ये हो गई इस तरीके की ब्राउन, लेकिन ये ठीक हो जाएंगी। तो आप ये ऐसी जगह और ऐसा प्लेस इसके लिए ढूंढिए जहाँ इसको चारों तरफ से अच्छी हवा और अच्छा एरिया मिले ग्रो होने के लिए। अब अगर मैं इसके फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो देखिए, बहुत ज़्यादा कोई एक्सिस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है इसे, बस एक ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जो इसको कम्प्लीट करे, कंप्लीट उसके अंदर न्यूट्रिशन मिल जाए। तो उसके लिए मैं जो इसमें यूज़ करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। ये देखिए मेरे पास में जो वर्मी कंपोस्ट है वो लगभग 1 मुट्ठी के लगभग है, और मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है क्योंकि अभी परसों फिर से बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मिट्टी काफ़ी गीली है, लेकिन मैंने फिर से गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करके मैं चारों तरफ जो है इसको फीड कर दूँगी, और फीड करने के बाद में मैं फिर इसको हल्की सी वापस मिट्टी में मिक्स कर दूँगी गुड़ाई करके। ये देखिए,
ये इस तरीके से। ये जो मेरी बकेट है इसमें भी जो मिट्टी ऐसी है कि इसमें नमी होल्ड रहती है, मैं इसको डेली पानी देती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं अभी बारिश चुकी आई है परसों तो काफ़ी, ये देखिए काफ़ी मिट्टी गीली है तो मैं अभी इसको पानी नहीं देने वाली, बाकी मैं इसको डेली वाटर देती हूँ ताकि ये नमी बनी रहे और अच्छे से ग्रो होता रहे। तो ये देखिए आपको अगर दिखाती हूँ पूरा प्लांट, देख लीजिए इतनी बड़ी इसकी हाइट हो चुकी है। और एक और चीज़ इसके लिए जो ध्यान रखने की है कि आप इसे ये बड़े पोट में ही ग्रो कीजिए, इसे बार बार जो है शिफ्टिंग पसंद नहीं है प्लांट को। तो आप जब इसे ग्रो करें तो उसके लिए एक पोट का जो चुनाव करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप छोटे प्लांट लाके भी ग्रो कर सकते हैं, ये अभी थोड़ा स्लो ग्रोइंग है लेकिन देखिए 4 साल में इसकी ये ग्रोथ हुई है। और अगर आप चाहें तो आप बड़ा पोट लाके भी, बड़ा प्लांट लाके भी पोट में रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।